नमस्कार, मैं पवन द्विवेदी, 12th की फिजिक्स की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत। जैसे कि आप जानते हैं, आज ऑप्टिक्स की यानी प्रकाश की क्लास है, और आपको पता है कि आपकी 12th क्लास की ये यूनिट 6 है, छठवीं इकाई है, और छठवीं इकाई में सबसे ज्यादा नंबर की इकाई है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से 13 अंक इसके लिए आवंटित किए गए हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए, आपके फिजिक्स के शिक्षकों ने आपको इस बात से अवगत करा दिया होगा कि इस यूनिट में से, पूरी यूनिट में से 13 नंबर का ये प्रश्न आना है, जिनमें से 2 प्रश्न 1 अंक के आएंगे, 3 प्रश्न जो है, 1 प्रश्न जो है वो 3 अंक का, और 2 प्रश्न 4 अंकों के। क्योंकि यूनिट बहुत बड़ी है, ऑप्टिक्स का पूरा यानी लाइट को पूरा कवर किया गया है, इसमें प्रकाश का अपवर्तन हमको पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है सबसे पहले, फिर अपवर्तन पढ़ना है जो कि समतल पृष्ठ से अपवर्तन होगा, इसके बाद हमें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन यानी लेंस के बारे में पढ़ना है, प्रिज्म से अपवर्तन पढ़ना है, और कुछ प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी इत्यादि का आप अध्ययन करेंगे। यूनिट बहुत बड़ी है और पूरी फिजिक्स में से सबसे ज्यादा नंबर का 13 अंक का इसमें से आना है, इसलिए मेरा कहना है कि आप एक एक चीज को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम किरण प्रकाशिकी की यानी ऑप्टिक्स की शुरुआत कर रहे हैं, उसमें परावर्तन का अध्ययन करेंगे। प्रकाश के बारे में वैज्ञानिकों को पहले से ही उत्कंठा रही थी, तो प्रकाश के बारे में जो रिसर्च हुई और उसके बाद जो निष्कर्ष निकले और प्रयोगों की कसौटी पर जिनको खरा पाया गया, उनमें ये बताया कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिससे हमें वस्तुओं को देखने में मदद मिलती है, सहायता मिलती है। जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है यानी आपतित होता है, तो परावर्तन के बाद वो प्रकाश जब हमारी आंख में पहुंचता है तो वस्तुएं हमें दिखाई देती है। तीसरा लाइट के बारे में यह है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बहुत सारी घटनाएं प्रकाश से होती हैं, छाया का बनना, मार्ग माध्यम बदलने पर अपने मार्ग से विचलित हो जाना, जिसको अपवर्तन कहते हैं, दर्पण से बहुत सारे प्रतिबिंब बनते हैं, इंद्रधनुष का बनना, प्रिज्म से 7 रंगों में विभक्त हो जाना, ये सारी बातें हम आगे के चैप्टर्स में अध्ययन करें। ये देखिए, आप जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है और हमारी आंखों में पहुंचता है यानी परावर्तित होता है, तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब हम परावर्तन के बारे में और इन घटनाओं के बारे में एक दो क्लासेस में, पूरे में 3-4 क्लासों में इस ऑप्टिक्स को कंप्लीट कर पाएंगे। आज हमने इसमें परावर्तन को लिया है। आप चित्र में देख रहे होंगे कि परावर्तन में जो आपतन कोण है, 10वीं कक्षा में आपने इस बारे में पढ़ा भी है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर। दूसरी इमेज में आपको अपवर्तन कांच के पानी के अंदर जो रॉड है वो तिरछी दिखाई देती है। तीसरे में आपको इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, ये पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन से होता है। और चौथे इमेज में आपको एक ग्लास का प्रिज्म दिख रहा है, इसमें प्रिज्म के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो 2 घटनाएं होती, एक तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, विबगी और वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी बैगनी, जामनी, नीला, हरा, पीला, ऑरेंज और लाल। इन 7 में बटने की क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये हम आगे जैसे जैसे चैप्टर्स हमारे बढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हम परावर्तन के बारे में आपको बता रहे हैं। प्रकाश का परावर्तन 10th में भी आपने पढ़ा, 7th में भी पढ़ा है। बहुत ही सिंपल सी घटना है कि जब प्रकाश किसी भी सतह से टकराता है, चमकदार सतह से टकराता है और उस पर आपतित होता है, तो उसी माध्यम में वह वापस लौट जाता है, उसी समांगी माध्यम में वापस लौटता है, इसको कहते हैं हम प्रकाश का परावर्तन। आपको इमेज में दिख रहा होगा, ये चित्र बना हुआ है परावर्तन के जो नियम है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको 1 अंक का प्रश्न भी पूछे जाने हैं 2, तो ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रहनी चाहिए। ये आपने 10th में भी पढ़ा है इसलिए आपको पता होगा कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर, परावर्तन कोण के मान के बराबर। किरण
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते। खासतौर से परावर्तन का प्रकार आपसे पूछा जाए और उनमें अंतर भी पूछा जाता है तो प्रश्न कई बार पूछा गया। परावर्तन दो तरह का होता है, एक नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इररेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जिसको कहते हैं। नियमित परावर्तन का मतलब होता है जब प्रकाश की किरण, जैसे आप इसमें देख रहे हैं, जब प्रकाश की किरण किसी मिरर पर चमकदार सतह पर पड़ती है तो वह दूसरे उसी माध्यम में वापस लौटती है। यदि आपतित होने वाली समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी उस प्रकार के परावर्तन में समानांतर होती है। और परावर्तन दीवार से होता है, कागज से होता है, तो वह विभिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं। इसको कहते हैं हम विसरित परावर्तन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इसमें समानांतर आपतित किरणों के लिए परावर्तित किरणें समानांतर नहीं होती हैं। बेसिकली 12th लेवल में हमको स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण के बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है और उसी से परीक्षा में हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब गोलीय दर्पण होता कैसा है, एक कांच का खोखला गोला हो और उसको हमने ऊपर से काट दिया तो हमें क्या होगा, एक कटोरी जैसी मिल जाएगी और इस कटोरी के एक हिस्से पर हम पॉलिश कर दें, मरकरी की पॉलिश कर दें, तो दूसरा हिस्सा प्रकाश का परावर्तन करने लगता है। एक खोखला गोला कांच का, उसके एक हिस्से को हमने काट दिया ऊपर से, हमको एक उथली कटोरी मिल गई और उस कटोरी के एक सरफेस पर, एक तल पर हमने पॉलिश कर दी, पॉलिश कर दी एक तल पर, तो दूसरा तल क्या करेगा, प्रकाश को लौटा दे। जब प्रकाश उस पर पड़ेगा तो प्रकाश का उससे क्या हो जाएगा, परावर्तन हो जाएगा। ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। दो तरह के होते हैं, एक अवतल दर्पण जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं कॉनकेव मिरर और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब होता है यदि कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर जो उठा हुआ हिस्सा है, कटोरी का जो उठा हुआ हिस्सा है उस पर हम पॉलिश कर दें तो जो उसका दबा हुआ हिस्सा है वो प्रकाश का परावर्तन करने लगता है, अंदर वाला हिस्सा प्रकाश का परावर्तन करता है। इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसके अपोजिट दूसरा वाला मिरर उत्तल दर्पण कहलाता है, कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। कांच के खोखले गोले को हम काटें और उसके दबे हुए यानी अंदर वाले पृष्ठ पर पॉलिश कर दें तो उसका उभरा हुआ पृष्ठ प्रकाश का परावर्तन करेगा, उठा हुआ हिस्सा प्रकाश का परावर्तन करेगा, ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये देखें आप इमेज में, ये वाला अवतल दर्पण है जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश है और उसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ है, और ये वाला उत्तल दर्पण है जिसमें उभरे हुए पृष्ठ से परावर्तन हो रहा है और अंदर के पृष्ठ पर पॉलिश की गई। दर्पण को समझने के लिए, उसकी ज्यामिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीजों को समझना होगा। जैसे अवतल दर्पण बना हुआ है इसमें कुछ खास चीजें होती हैं। पहला जिसमें ये पी जो आपको पॉइंट दिख रहा है, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को उसका ध्रुव कहा जाता है। पी को क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं, जो बीच का बिंदु होता है दर्पण का, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, वो ध्रुव कहलाता है। इसके बाद ये सी आपको दिख रहा है, ये वक्रता केंद्र, ये उस गोले का केंद्र होता है जिससे काट के इस दर्पण को बनाया गया है, ये वक्रता केंद्र कहलाता है। अब वक्रता केंद्र सी तक की दूरी, यानी ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, जिसको हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये पूरा जो एक्स वाई लाइन आपको दिख रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहलाता है। पी से लेके एफ तक, क्योंकि नियम यह है कि जब आपतित किरणें किसी दर्पण पर समानांतर आती है मुख्य अक्ष से तो परावर्तन के बाद वो जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसको फोकस कहा जाता है, और ये फोकस ये बिंदु है बीच का। तो पी से लेके एफ तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी है। ये कुछ खास
पॉइंट्स आपको समझने पड़ते हैं, साथ ही दर्पण से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, उन प्रतिबिंबों को समझने के लिए आपको इन चीजों का समझना आवश्यक है। तीन नियम हैं दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के। इन तीन किरणों में से दो किरणें एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करती हैं जिस बिंदु पर, या पीछे बढ़ाने पर जहां मिलती हैं, वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तीन में से हम प्रतिबिंब को बनाने के लिए दो किरणों को लेते हैं। पहला नियम उसमें यह है, जो कि हमने पहले फोकस की परिभाषा में भी बताया, कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर अवतल दर्पण से आती है तो परावर्तन के बाद वो फोकस से होकर जाए। उत्तल दर्पण में फोकस से ये आती प्रतीत होती है, यानी जो किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी वो आपको कहां से ले जाना है, फोकस से ले जाना है। अवतल आएगी वो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। दूसरा नियम पहले नियम का ठीक उल्टा है, जो प्रकाश की किरण फोकस से होकर दर्पण पर आपतित होती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाए। ये देखिए फोकस से ये प्रकाश की किरण क्या हो जाएगी, समानांतर हो जाएगी। अब उत्तल दर्पण में यही फोकस की दिशा में आएगी और ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। पहले नियम का ठीक उल्टा नियम। और तीसरा नियम ये है कि अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वो लंबवत आपतित होती है और उसी मार्ग से परावर्तन के बाद सीधी लौट जाती है। आप इस अवतल दर्पण की इमेज में देखें, वक्रता केंद्र की दिशा में ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट जाए। ये उत्तल दर्पण में देखें, वक्रता केंद्र की दिशा में जो प्रकाश की किरण आ रही है वो परावर्तन के बाद उसी दिशा में वापस लौट आए। कहने का मतलब ये, इन तीन किरणों में से यदि हम दो किरण लेते हैं तो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बना सकते हैं, क्योंकि हमें छह स्थितियों में अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनाने का किरण आरेख बनाने आता है। जैसे वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो कहां बनेगा, वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस पर रखी हो तो कहां बनेगा, उसका किरण आरेख हमको बनाना आना चाहिए। जब तक हम तीन नियमों को नहीं समझेंगे तब तक हम वो छह स्थितियों को नहीं समझ सकते। आइए हम उन छह स्थितियों को समझते हैं। पहली स्थिति ये, जब अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु अनंत पर स्थित होती है, इन्फिनिटी पर है, तो इसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, इसलिए फोकस से होकर चली जाए। दूसरी प्रकाश की किरण भी मुख्य अक्ष के समानांतर है, इसलिए फोकस से होकर चली जाती है। ये कहां बनता है, फोकस पर बनता है। तो याद रखिए, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। जो प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं वो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं। अवतल दर्पण से पांच स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, एक ही स्थिति में जो छठवीं स्थिति है उसमें आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। दूसरी किरण आरेख हमको बनाने आएगा, उसमें क्या कहा जाएगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखी हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी हो, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है। किस तरह से किरण आरेख बनाएंगे हम, एक किरण हमने ली मुख्य अक्ष के समानांतर, ये परावर्तन के बाद कहां से चली गई, फोकस से चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण को हमने लिया वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण नियमानुसार वक्र परावर्तन के बाद वक्रता केंद्र की दिशा में ही वापस चली जाए। ये दोनों परावर्तन किरणें यहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो यहां वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। आप देख रहे हैं कि ये प्रतिबिंब वस्तु से छोटा है, उल्टा है और वास्तविक बनेगा। कहां बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। तीसरी स्थिति, जबकि ऑब्जेक्ट हमारा वस्तु ठीक कहां रखी है, वक्रता केंद्र पर रखी है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, बिल्कुल वस्तु के बराबर बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। कैसे बनता है ये आप इसके किरण आरेख में देख रहे हैं। हमने कैसे बनाया, एक किरण हमने मुख्य अक्ष के समानांतर ये ली,
ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण हमने फोकस से ली, ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो गई, दोनों ने यहाँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। इसलिए इस वस्तु का प्रतिबिंब जो रेड कलर में आपको दिख रही है, ये पिंक कलर की उल्टी वस्तु ठीक वस्तु के बराबर यहाँ प्रतिबिंब बन गया। तो कहने का तात्पर्य ये कि यदि सी पर वक्रता केंद्र पर वस्तु स्थित है अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, उल्टा बनता है और वास्तविक। चौथी स्थिति में वस्तु को हमने अंदर रखा अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में होती है अवतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से परे बनता है, यानी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। कैसे बनता है? ये मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तन कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण हमने ली, फोकस से होकर जा रही है और परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ इस बिंदु पर काट देंगे, यहाँ इस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा उल्टा। आपको दिख रहा होगा ये वस्तु से बड़ा है। जैसे जैसे वस्तु दर्पण के समीप आती जाती है, हम समीप लाते जाते हैं, प्रतिबिंब बाहर होता जाता है और उसका आकार बड़ा होता जाता है। इससे पहले की स्थिति में हमने देखा था कि जब वक्रता केंद्र पर वस्तु थी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही और वस्तु के बराबर बना था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में आ गई, इसलिए उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बाहर चला गया और यहां से प्रतिबिंब का आकार बड़ा हो गया। अगली स्थिति में हम आते हैं पांचवी। पांचवी स्थिति में हमने वस्तु पर रखा है फोकस पर, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु फोकस पर रखी होती है तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। हमने बनाया है अनंत पर, बनेगा काफी बड़ा, बनेगा उल्टा, बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसे बनेगा? उन्हीं तीन में से दो नियमों के आधार पर। एक प्रकाश की किरण हमने ली मुख्य अक्ष के समानांतर, ये परावर्तन के बाद कहां से गई? फोकस से। प्रकाश की किरण हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से ली, ये परावर्तन के बाद वापस लौट गई। ये दोनों अनंत पर वस्तु का प्रतिबिंब बनाती, वस्तु से काफी बड़ा बनता है, उल्टा बनता है। याद रखें कि अनंत पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है और फोकस पर वस्तु होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर। छठवीं और आखिरी स्थिति में, एकमात्र स्थिति अवतल दर्पण में है, याद रखें इसे, जिसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है, सीधा बनता है, बड़ा बनता है। इसी गुण का उपयोग अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाए। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, उल्टे भी बनते हैं, सीधे भी बनते हैं, वास्तविक भी बनते हैं, आभासी भी बनते हैं। तो यदि पूछा जाए आभासी कब बनता है, तो आपको बताना है कि जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु के प्रकाश के ध्रुव और फोकस के, ये पी ध्रुव है, यहां से मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण गई और परावर्तन के बाद कहां से चली जाएगी? फोकस से होकर चली जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण ये वक्रता केंद्र से होकर जाती है और ये बिना वापस लौट जाती है उसी दिशा में। इन दोनों किरणों को पीछे बढ़ाने पर ये यहां इस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यहां वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। इसीलिए इसका यानी अवतल दर्पण किया जाता है टार्चों में। आपने टार्च में कटोरी देखी होगी, वो अवतल दर्पण है। डॉक्टर लोग दांत का बड़ा आकार देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कारों की हेडलाइट में इसका उपयोग किया जाता है, शेविंग मिरर के रूप में, क्योंकि जब ध्रुव और वक्रता के ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु होती है तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण में सारे प्रतिबिंब छोटे बनते हैं और दूर के भी प्रतिबिंब उसमें बन जाते हैं। इसलिए आपने गाड़ियों का साइड मिरर देखा होगा, उस पर हाथ फेर के देखें आप, तो आपको उसका सरफेस उठा हुआ दिखाई देगा, जिससे वो दूर का प्रतिबिंब, पीछे का रियर व्यू प्रदान करता है। तो दूर का प्रतिबिंब देखने के लिए सीधा बनता है और छोटा बनता है, इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम जरा साइन ऑफ कन्वेंशन देख लें कि इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दूरियों को, जो चिन्ह परिपाटी कहलाती है, किस प्रकार किया जाता है। आपने
ये ध्यान रखना है कि चिन्ह परिपाटी ये है कि जितनी भी दूरियां आपतित किरण की दिशा में नापी जाती हैं, आपतित किरण की दिशा में वो सारी धनात्मक होती है और जितनी आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापी जाती हैं वो ऋणात्मक होती है। जैसे ये दर्पण बना है और नियम यह है कि आपतित किरण हमेशा बाईं तरफ से दर्पण पर डाली जाती है। बाईं तरफ से डाली जाएगी तो जितना राइट हैंड साइड की दूरियां होंगी, दाहिने हाथ तरफ की होंगी, वो सारी धनात्मक होंगी। जितनी हमारे बाएं हाथ तरफ होंगी, लेफ्ट साइड होंगी, वो सब ऋणात्मक होंगी। जितनी ऊपर की तरफ होंगी, जो वाई एक्स पॉजिटिव होता है, वो सब धनात्मक होंगी और जितनी की तरफ होंगी वो सब ऋणात्मक होंगी। अब हम इसका एक फार्मूला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एफ इजिकल टू आर बाई टू, अवतल दर्पण की या गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये डेरिवेशन हमारे कोर्स में है और पूछा जाता है तो हम इस व्यंजक को आज करेंगे कि f बराबर r बटे दो हम कैसे निकालेंगे अवतल दर्पण के लिए, क्योंकि फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी होती है, इनमें आपस में संबंध है। कि फोकस दूरी, तो मैं आज आपको एक डेरिवेशन करा रहा हूं जिसमें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और तीन नंबर के क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी को हम स्मॉल एफ से शो करते हैं, वक्रता त्रिज्या को दो। ये डेरिवेशन हमको अवतल दर्पण के लिए सिद्ध करना है। प्रश्न ऐसा आएगा कि गोलीय दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि एफ बराबर आर बटे दो, या सिद्ध कीजिए अवतल गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ये करने के लिए हमने क्या किया, यहां सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे, ये हमने इस पर पॉलिश की उठे हुए पृष्ठ पर, ये हमने अवतल दर्पण बनाया, इसको नाम दे दिया MPN, MPN ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। यहां पर मान लीजिए इसका फोकस है, यहां से कोई प्रकाश की किरण आपतित इस पर होती है तो नियम हमने आपको अभी बताया, ये परावर्तन के बाद फोकस से होकर चली गई। ये मान लीजिए यहां ए है, ये पॉइंट हमने बी दे दिया, ये परावर्तन के बाद कहां से चली गई, फोकस से होकर चली। अब यहां मान लीजिए कहीं इसका वक्रता केंद्र है तो हम इस सी और बी को मिला देंगे, सी और बी को मिलाएंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, अभिलंब कहलाएगा। ये हमारी आपतित किरण हुई, ये परावर्तित किरण हुई। चिन्ह परिपाटी हमारी क्या कहती है कि जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो ध्रुव से नापी जाएंगी। ये P हमारा ध्रुव है, ध्रुव से हम जितनी दूरियां नापेंगे और P से लेके जब हम इस तरफ जाएंगे हमारे, हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपतित किरण बाई तरफ से डली और जब हम दूरी नापेंगे तो यहां ध्रुव से नापेंगे और जितनी दूरियां हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में नापेंगे वो सारी क्या होती है, ऋणात्मक होती है। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण का फोकस क्योंकि उस तरफ आता है तो वो धनात्मक होता है, वो कौन सी दिशा हो जाएगी, आपतित किरण की दिशा ही हो जाएगी। मैथमेटिक्स में जैसे कि हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पढ़ते हैं, ये एक्स अक्ष होता है, यदि हम ध्रुव पी को यहां मान लें तो यहां से यहां जितनी दूरियां नापी जाएंगी वो सारी क्या होती हैं, ऋणात्मक होती है। निगेटिव एक्स एक्सिस कहलाता है, यहां से इधर पे जितना हम नापेंगे वो सारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस होता है। ऊपर वाई अक्ष पे हम जितना नापते हैं वो सब क्या होता है, हाइट हमारी पॉजिटिव होती है और नीचे जितना हम नापते हैं वो सब क्या होता है, निगेटिव। ठीक वैसा ही नियम हमारे दर्पण में, जितना हम इस तरफ नापेंगे वो सारा क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा और उस तरफ जितना नापेंगे वो सारा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा।
ऊपर जितना हम नापेंगे मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा, नीचे जितना करेंगे वो सब नेगेटिव होगा। ये यदि हमने गणित का ये फार्मूला आपने ध्यान में रखा है तो हम कभी भी दर्पणों की फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या या यू और भी निकालने में कभी गलती नहीं कर सकते। तो हमने ये आपतित किरण डाली, ये परावर्तन के बाद फोकस से ऊपर चली गई, हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, ये आपतित किरण है और ये हमारा अभिलंब है, तो ये वाला कोण हमारा क्या होगा, आपतन कोण होगा। ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो ये हमारा कोण क्या होगा, परावर्तन कोण होगा। अब हमने अभी पढ़ा, आपको बताया कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो जब हम इस कोण को पढ़ते हैं, क्योंकि आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो आपको तो पता ही है, लेकिन कई बच्चों को नहीं मालूम होता है, इसलिए बताऊं, जब भी कोण को लिखा जाता है तो उस लेटर को हम बीच में करते हैं, कई बार हमसे गलती हो जाती है। तो यहां ये कोण बन रहा है, इसका मतलब है हम इसको लिखेंगे कोण ए बी सी। ये आपतन कोण है हमारा, मान लीजिए ये थीटा है, तो ये दोनों बराबर होते हैं तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब हम इस कोण को पढ़ेंगे, तो इस कोण को पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, सी बी एफ, बी को हमें क्या करना है, बीच में करना है। यहां हम इसको लिख सकते हैं एफ बी सी, एंगल एफ बी सी भी सही है और एंगल सी बी एफ भी सही है। हम इसको लिख देंगे कोण सी बी एफ, ये दोनों हमारे थीटा हैं, ये कैसे हैं, क्यों हैं, क्योंकि ये परावर्तन का नियम है, परावर्तन के नियम से, क्या नियम से, आप स्पष्ट भी लिख सकते हैं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आई इक्वल टू आर, इसलिए हमारा एक समीकरण बन गया। अब देखिए, आपने गणित में पढ़ा है कि जब दो रेखाएं समानांतर होती, नाइन्थ में ये प्रमेय पढ़ी है, मैं आपको याद दिला रहा हूं, और ट्वेल्थ में भी आपके सर कई चीजों, कई गणित के अध्याय समझाते समय इस बात को बताते होंगे कि दो समानांतर रेखाओं को यदि एक तिर्यक रेखा मिलाती है तो कौन से कोण बराबर होते हैं, एकांतर, एकांतर कोण कैसे बनता है, ये दो समानांतर रेखाएं ये हमने मिला दी तो ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, एकांतर कहलाता है। और स्पष्ट ऐसा बना दिया मैंने, ये खींचा, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या कहलाता है, एकांतर कोण कहलाता है, अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं। यहां आप देखें तो ये वाला कोण और ये दोनों समानांतर है, पीसी और एबी, ये ए बी है और ये सी पी है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण से बराबर होगा। अब हम फिर से इसको लिखेंगे, तो यहां हम स्पष्ट करते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू पी सी, ये निशान काहे का है, समानांतर का है, और सी बी इनको मिला है, इसलिए एंगल ए बी सी इज जस्ट इक्वल टू एंगल बी सी एफ। ये वाला कोण पढ़ना है हमको, ये वाला कोण हमने पढ़ा ए बी सी, ये वाला कोण पढ़ा बी सी एफ, तो ये बी सी एफ, ये भी हमारे क्या है, ये हमारा दो। अब सिंपल मैथमेटिक्स के नियम से आप देखें, ये कोण कौन सा है, ए बी सी है, ये काहे के बराबर है, सी बी एफ के, ये वाला कोण कौन सा है, ए बी सी है, ये काहे के बराबर है, बी सी एफ के। लिहाजा समीकरण एक और दो हमसे क्या कहते हैं, समीकरण एक और दो हमसे ये कहते हैं ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसलिए ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, समीकरण एक व समीकरण दो से हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ, ये हमारा इक्वेशन तीन, यानी सी बी एफ को देखें तो सी बी एफ ये वाला कोण, बी सी एफ को देखें तो बी सी एफ ये वाला कोण। एक और बात, पूरा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में ये होता है बेटा, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, बगैर मैथ के फिजिक्स रन नहीं करती। आप ट्वेल्थ में आते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारी डेरिवेशन आपको कराए जाते हैं हर चैप्टर में, क्योंकि आप बिना गणित के उनको नहीं कर सकते, बड़ा वाला गणित नहीं, इंटीग्रेशन है, कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, जो आपको 11th फिजिक्स में भी सिखाया जाता है, और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनको तो वो आता ही है क्योंकि सारे मैथ्स में वो पढ़ रहे हैं। बायो फैकल्टी के स्टूडेंट को भी फिजिक्स में हम 11th में इन चीजों को सिखा देते हैं, इंटीग्रेशन, इसमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो एक प्रमेय है।
यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं उसके सामने की भुजाएं भी बराबर हो, भुजाएं बराबर है तो कोण बराबर, तो कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर। तो ये जो कोण है, ये वाला कोण, इस BCF ट्राइंगल के दो कोण, इसके सामने की भुजा ये और इसके सामने की भुजा ये, तो इसलिए हम लिख सकते हैं CF बराबर DF। इस कोण के सामने की भुजा, कोण B के सामने की भुजा क्या है, CF है, और इसके कोण के सामने की भुजा क्या है, BF है। तो ये दोनों बराबर कोण के सामने की भुजाएं हैं, इसलिए बराबर हो गई। अब इसमें हमको ये काम करना है, ये दर्पण लगभग फ्लैट है, ये एजम्पशन करनी पड़ती है कि दर्पण का द्वारक छोटा हो, और यदि द्वारक छोटा होगा तो ये लगभग फ्लैट होगा, जरा सा जर्क इसमें होगा, तो ये जो BF है ये लगभग CF से बराबर होगा, अप्रोक्सीमेट। यदि इस लाइन को हम सीधा कर दें तो ये इस कंडीशन में B थोड़ा सा बाहर जाएगा। तो हमारे डेरिवेशन को कंप्लीट करने के लिए हमने ये किया, हमने ये मान लिया कि इसका द्वारक बहुत छोटा है, और यदि द्वारक छोटा है तो BF जो है हमारा काय किसके बराबर होगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, द्वारक छोटा से मतलब ये छोटा है दर्पण, ये लगभग सीधा है, तो ये जो BF है वो लगभग किसके बराबर है, CF के बराबर। ये क्वेश्चन फोर दे दीजिए तो BF काय के बराबर हो जाएगा, CF। ये हमारा इक्वेशन क्या आ गया, फाइव। ये इस एजम्पशन के बाद आएगा, ये B पॉइंट इससे कंसाइड हो गया, P से संपाती हो गया, लगभग बराबर हो जाएगा, हम इसको बराबर लिख देंगे। तो यहां जो BF हमने लिखा है समीकरण चार में, तो ये समीकरण चार व पांच से हमारा क्या आ जाएगा, CF बराबर PF। इस BF की जगह हमने क्या रख दिया, PF। अब हमने एक काम और करना है, बस हम अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, हम दोनों पक्षों में PF जोड़ दें, ये हमारा C था, दोनों पक्षों में क्या जोड़ दें, PF, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर CF प्लस PF, PF प्लस PF। अब आप चित्र को देखिए, CF ये है इतना, PF ये है इतना, यदि हम CF में PF को जोड़ते हैं तो क्या बन जाएगी, TC बन जाएगी, यहां से लेके यहां तक, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, T, और PF और PF क्या हो जाएगा, 2PF। आपको मैंने बताया था ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ये निगेटिव है, माइनस आर होता है, और ये ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ये माइनस स्मॉल एफ है, तो ये पीसी का मतलब क्या हो गया, माइनस आर, ये हो गया माइनस टू है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब है एफ इज इक्वल टू आर बाई टू, हमने इस दो का पक्षांतर कर दिया, आर बटे दो आ गया। इसका मतलब है हम इस निष्कर्ष पर पहुंच गए, इस डेरिवेशन पर पहुंच गए कि गोलीय दर्पण की, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यदि इसमें कोई समस्या है आपको इतने हिस्से में जिसमें हमने परावर्तन को पढ़ा, कोई प्रश्न आपका है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में चूंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, यूनिट भी बहुत बड़ी है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, अपवर्तन पे जाएंगे, लेंस से अपवर्तन पे जाएंगे, प्रिज्म पे जाएंगे। यदि आपकी कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को नहीं पूछना है नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे। ये डेरिवेशन आप तैयार करिएगा, अच्छे से तैयारी करिए, एमपीएस दरसिया, आपने देखा पूरा लेक्चर सुना, चलिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में हम आपसे क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे और आपसे पूछेंगे, तब तक आप मैंने जो कराया है उसको करिएगा, परावर्तन को करिए और उसका डेरिवेशन करिए, दर्पण सूत्र आपको कराएंगे, 1/F = 1/U + 1/V नेक्स्ट क्लास में,
तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू सर, ठीक रहा सर।